हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अखिल कृषि धन पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पीआई कंपनी का प्रोडक्ट ओसिन के बारे में। इसका टेक्निकल क्या है, इसका डोज क्या है, इसकी कीमत क्या है तथा साथ ही इसके काम की बात करेंगे। उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए वे किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आप तक डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर कर दें। अब बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके टेक्निकल नाम की बात करते हैं तो डी नेटिव फ्यूरॉन 20% एजी के फॉर्म में आता है। इसकी काम की बात करते हैं तो यह ब्राउन होपर, प्लांट होपर तथा थ्रिप्स एसिड जैसिड तथा सभी प्रकार के मच्छर तथा सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करता है। यह किसी भी प्रकार के फसलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर इसके डोज की बात करते हैं तो 10 से 12 ग्राम प्रति टंकी या 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी पैकिंग साइज की, तो इसकी पैकिंग साइज 6.5 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तथा 500 ग्राम तथा 1 kg के फॉर्म में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके मार्केट में 500 ग्राम तथा 1 kg के फॉर्म आपको न उपलब्ध हो। अब बात करते हैं इसकी कीमत की तो 6.5 ग्राम की कीमत 50 से 60 रुपये होगी तथा 50 ग्राम की कीमत 250 से 270 रुपये तक हो सकती है। वहीं 100 ग्राम की कीमत 500 से 540 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका कौन कौन से फसलों पर प्रयोग किया जा सकता है, तो भिंडी, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर, बैंगन, लहसुन, परवल तथा सभी प्रकार के लतादार फसलों पर प्रयोग किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं यह ओसिन धान व भिंडी के लिए मुख्य आता है इसमें, क्योंकि व्हाइट फ्लाई का ज़्यादा प्रकोप होता है, थ्रिप्स एसिड जैसिड का ज़्यादा प्रकोप होता है, इसलिए धान व भिंडी पर ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ खर्चा आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।